नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बेहद ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल एनिमल्स। ये एनिमल्स इतने ज्यादा अनोखे हैं जिन्हें देखने के लिए सचमुच नसीब की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहद ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ ही ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए लाल कलर के उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर वन, पेडमेलन। दोस्तों, कंगारू कितने ज्यादा प्यारे नजर आते हैं ये तो आप सभी जानते ही हैं, और अगर वही बात बेबी कंगारू की जाए तो उनका कोई जवाब ही नहीं होता। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्रजाति दिखाने वाले हैं जो बिल्कुल दिखती तो बेबी कंगारू जैसी है, लेकिन असल में ये कंगारू नहीं है, मिलिए पेडमेलन से। इस जानवर को भी एक खास किस्म का पाउच होता है जिसमें ये अपने बेबी को कैरी करते हैं। इनके साइज की बात की जाए तो ये करीब 20 इंच तक बढ़ सकते हैं और वजन तकरीबन 12 किलोग्राम देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इतना छोटा होने के बावजूद भी ये जीव लगभग 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। इनकी सबसे ज्यादा खास बात होती है इनकी फाइट, जिसे देखकर आप भी सचमुच इनके फैन हो जाएंगे। आप जरा इनकी फाइट देखिए, जो कि इतनी ज्यादा प्यारी होती है जितने ये खुद होते हैं। ये एक दूसरे से फाइट करते हुए एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं और फिर बीच में अचानक से रुक जाते हैं, जैसे कि कह रहे हो कि भाई रुक जा, मैं थक गया, और फिर कुछ समय बाद फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इनकी ये क्यूट सी फाइट, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इज एलिफेंट शीप। दोस्तों, एलिफेंट शीप का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि कोई ऐसा एनिमल होगा जो बिल्कुल एलिफेंट जैसा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि आप इसे देखकर ये मत समझ लेना कि ये कोई एलिफेंट की प्रजाति से बिलोंग करता है। हाँ, इसकी नाक थोड़ी लंबी जरूर है, जिसकी वजह से इसका ऐसा नाम रखा गया है। इसकी सिर्फ नाक ही लंबी नहीं होती, बल्कि इसकी जबान भी इसकी नाक की तरह ही लंबी और गोल होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख ही सकते हैं। आपको ये दिखने में शायद हैमस्टर की तरह भी नजर आए, लेकिन हम आपको बता दें कि ये दिखने में भले ही हैमस्टर की तरह नजर आ रहा हो, लेकिन ये स्पीड में उससे भी ज्यादा तेज है, जो कि लगभग 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। और ये रेयर जीव अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं, जिसकी वहाँ पर एक दो नहीं बल्कि करीब 19 अलग अलग प्रजातियाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट इज डिगडिग। दोस्तों, हमारा अगला जो जीव है उसे देखते ही आपका मन उसे अपना पेट बनाने का करेगा, क्योंकि वो दिखता ही इतना ज्यादा प्यारा है। असल में ये एक एंटीलोप है, जो कि एंटीलोप की प्रजाति का सबसे छोटे साइज का जानवर है। इसके साइज की बात की जाए तो ये तकरीबन सिर्फ 30 से 40 सेंटीमीटर तक ही बढ़ सकता है, और इसका वजन तकरीबन 6 किलोग्राम तक ही बढ़ पाता है। इसे पहली बार देखते ही सबकी नजर ज्यादातर इसकी नोज पर ही जाती है, जो कि काफी ज्यादा अनोखी नजर आती है। इनकी ये नाक सिर्फ साइज में बड़ी ना होकर इनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी होती है, क्योंकि ये अपने खाने को अपनी नाक की मदद से ही ढूंढते हैं। इतना ही नहीं, ये अपनी नाक की मदद से सीजन के अनुसार अपने शरीर के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखते हैं। इन्हें ध्यान से देखने पर आपको इनकी आंखों के नीचे एक होल नजर आएगा, जो कि प्रीऑर्बिटल ग्लैंड है। इसमें एक अलग स्मेल का सीक्रेशन होता है, जिसका इस्तेमाल मेल्स अपनी टेरिटरी और पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। आप में से काफी लोग इसे इतना ज्यादा खूबसूरत देखकर इसे अपना पेट बनाने का सोच रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इसे अपना पेट बना पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक वाइल्ड एनिमल है और इस वजह से इसे अपने घर में रखना इलीगल है। लेकिन फिर भी जो लोग इनके आसपास पाए जाते हैं वो इन्हें अक्सर अपने घरों में रख लेते हैं। नेक्स्ट इज कोलुगो। दोस्तों, आपने लेमूर के बारे में तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये जीव केवल मेडागास्कर के आइलैंड में ही पाया जाता है। लेकिन आज हम लेमूर के बारे में नहीं बल्कि उसी के जैसे दिखने वाले एक जीव के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है कोलुगो। आज तक जितने भी लोगों ने इसे देखा है उनमें से ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये जीव लेमूर की प्रजाति से बिलोंग करता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेमूर और कोलुगो में कई सारे डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कोलुगो के पास एक खास तरह की स्किन होती है, जिसकी मदद से वो उड़ तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, ग्लाइडिंग करके 230 फीट तक के एरिया को कवर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये पेड़ पर इस तरह से लटक कर सोते हैं जैसे कि ये खुद कोई झूला हो। इस कोलुगो को साउथ ईस्ट एशिया के कई सारे देशों में भी देखा गया है। कोलुगो हमेशा अकेला रहना ही पसंद करते हैं और ये अक्सर रात में ही शिकार करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन डिफोरेस्टेशन की वजह से इस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।